सो इस वीडियो की स्टार्टिंग आज रात से इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने दो दिन पहले एक डिसीजन लिया है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुझे, कि मैंने अपने लंबे बाल करके रखे हुए हैं और अब मैंने सोचा है कि अब टाइम है थोड़े से चेंज का। तो इस वजह से मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं एक हेयर कट कराऊंगा। सो आज मैं अपना लेग्स वर्कआउट कंप्लीट करके घर आया हूँ और अब मैं जाऊँगा हेयर कट कराने। तो मेनली ये जो वीडियो रहेगी इसमें कल का वर्कआउट दिखाएंगे जिसमें मैं पुश वर्कआउट निकालूंगा। और आज की वीडियो का टाइटल तो वैसे भी देख के आप समझ ही गए होंगे कि हेयर कट कराने वाला हूँ मैं। तो देखते हैं कि इस न्यू हेयर स्टाइल में मैं कैसा लगता हूँ, क्योंकि 1.5 साल से लोग मुझे लंबे बालों में ही देख रहे हैं और अब कल जिम में भी रिएक्शन शूट करेंगे कि लोग किस तरह का बताते हैं मुझे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और कल जिम में भी रिएक्शन सबके शूट करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे और बेकार और काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। बट मुझे पता है कि जब मैं हेयर कट करवा लूँगा उसके बाद मुझे गिल्ट ज़रूर होगा थोड़ा सा कि लॉन्ग हेयर ही रखने चाहिए थे। बट मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है और मैं 15-20 दिन से ये बात सोच रहा हूँ कि मुझे बाल कटवा लेने चाहिए, लेकिन फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोना गेट अ हेयर कट। सो अब इसका एक टाइम लैप्स देखिए, बाकी कल रिएक्शन लेते हैं। I spot a hood like Spud McKenzie, and for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. Oh, Londa jawan ho gaya. Kaise lag rahe hain? Sahi hai yaar. Badhiya. Ha, theek hai sab kuch. Beta lag raha tab bhi. ये क्या कर दिया? कैसा खराब लग रहा है क्या? बेकार लग रहा है, पूरे बदल गए। अब जिम पहुंचो, कोई नहीं बचाने का, क्योंकि बेंच था कोई कोई नहीं बचाने का सब भाई। सही बात है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और फाइनली मैंने अपना एक नया हेयर कट करा लिया और इस तरह का कुछ लुक आ रहा है मेरा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं पहले से अच्छा लग रहा हूँ या बेकार कर लिया है, वरना फिर से एक बार बढ़ा लिए जाएंगे बाल। तो अभी मैंने कुछ देर पहले अपने एक फ्रेंड को बुलाया था क्योंकि उसको गिटार में कुछ डाउट्स वगैरह थे, उसने रिसेंटली गिटार लिया है, तो वो मेरे साथ में ही जिम करता है। और उसने बोला कि मुझे कुछ डाउट्स हैं तो कुछ क्लियर करते हैं और साथ में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं साथ में। और उसको ये नहीं पता था कि मैंने हेयर कट करा लिया है, तो जैसे ही वो आया और उसका जो रिएक्शन था वो आप लोगों ने अभी देख लिया। और अभी उससे कुछ बात करते हैं कि उसको किस तरह का अब मेरा नया हेयर स्टाइल लग रहा है, क्योंकि अभी मैं सबसे ओपिनियन लूँगा क्योंकि जिम जाएंगे तो काफ़ी लोगों के ओपिनियंस मिलेंगे, फिर देखते हैं कि किसका कैसा रिएक्शन आता है। और बाकी अभी साहिल से पूछते हैं कि इसको कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल। तो बताओ साहिल, फिर कैसा लगा मेरा नया हेयर स्टाइल? देखो जनरली मुझे ओल्ड लुक बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, पहले से बहुत अच्छे लगे लगे हो। अच्छा। बाकी लोगों को मुझे पता नहीं, मुझे सही में अच्छे लगे भाई। मतलब इसका जो फर्स्ट बंदे का जो रिव्यू आया है मुझे सही, वो हमको काफ़ी सही लगा क्योंकि मैं इतने टाइम से इतना लॉन्ग हेयर स्टाइल को मेंटेन करके आया हूँ और मुझे पता था कि मैं अपने लॉन्ग हेयर स्टाइल में बेस्ट तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मेरा मन था काफ़ी टाइम से कि जैसे ही मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी मैं उसके बाद अपने बाल बढ़ाऊँगा और फिर चेक करूँगा कि मैं लॉन्ग हेयर्स में कैसा लगता हूँ। सो इतने टाइम बाद कटाए हैं बाल, तो अभी इस वजह से डर है कि मोस्टली लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि मैं सही नहीं लग रहा हूँ तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर सकता है। लेकिन जो पहला बंदा है इसने ये चीज़ बोली है कि अब भाई बेइज्जती हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई कोई तकलीफ नहीं होती, वो मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। तो पहला बंदा जो मिला उसने ये चीज बोली है कि वो सही लग रहा है। तो और कुछ तो बताओ कि अभी और क्या चेंजेस लग रहे? सही तो लग रहे हैं, और बाकी क्या डिफरेंस है? काफी यंग लग रहे हो, कम से कम 2-3 साल यंग लग रहे हो कम से कम। हां, तो उस हेयर स्टाइल में मेरे को काफी सारे लोगों ने ये बोला था कि तुम यार 19 साल के लगते ही नहीं हो, मतलब सबको लगता है कि मैं 22-23 साल का हूँ और ऐसा मतलब समझ रहे थे। तो अब लग रहा हूँ यंग लग रहा है। हाँ, एक चीज़ और दूसरी चीज़, फिजिक कैसी लग रही है? अच्छी थी हमेशा, फिजिक इस हेयर स्टाइल में इस लुक में अच्छी लग रही है। सेम ही लग रहा है यार, फिजिक थोड़ी चेंज हो जाएगी। हाँ, मतलब ओवरऑल लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बेटर लग रहा है। चलो, बाकी अभी इसका रिएक्शन तो काफ़ी सही आया है और इसके गिटार के डाउट्स क्लियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे जिम के लोगों के रिएक्शंस की है क्योंकि
वही एक जगह है जहाँ पे पूरे दिन में मैं जाता हूँ, तो वहाँ जाके काफी लोग मिलने वाले। हाँ, और आज काफ़ी लोग मिलने वाले हैं इस टाइम पे, तो चलो देखते हैं आज जाके कैसे रिएक्शन आते हैं। सो वी हैव रीच्ड द जिम और अब चल के लेते हैं लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड है और देखते हैं किस तरह से रिएक्शन आते हैं लोगों के। भाई भाई ये क्या किया है, ये फिर से 11th वाला दिव्यांशु बन गया। अरे यार ये क्या किया है भाई, जिम से आके मैं काफ़ी थक गया था, तो इस वजह से मैंने आउटरो कल शूट नहीं किया और आज सुबह मैं ये आउटरो शूट कर रहा हूँ। सो इस शॉर्ट हेयर्स में मैं अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स ट्राई करता रहूँगा जो कि मेरे व्लॉग के द्वारा आप तक पहुँचते रहेंगे।
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बिल्ड मसल, स्टे हेल्थी।